सब्सक्राइब कीजिए सरल घरेलू नुस्खे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, शरीर में रक्त का संचालन हृदय धमनियों द्वारा होता है। जब रक्त धमनी में जाता है तब उसकी दीवारें भी दबाव देकर रक्त संचालन में सहायता करती हैं। कभी कभी धमनियों की दीवार मोटी होकर अपना लचीलापन नष्ट कर देती है, तब हृदय को अधिक जोर से दबाव डालकर रक्त भेजना पड़ता है। उस अतिरिक्त दबाव या चाप को रक्तचाप कहते हैं। दोस्तों, उच्च रक्तचाप भावात्मक तनाव, व्यस्तता, अशांति, अनुवांशिकता, अधिक वजन व मोटापा, अधिक धूम्रपान आदि कारणों से हो सकता है। दोस्तों, सिर दर्द, जी मचलाना, सिर चकराना, थकावट, सामान्य दर्द व पीड़ा, सामान्य से तेज हृदय व नाड़ी की धड़कन आदि उच्च रक्तचाप के लक्षण होते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको उच्च रक्तचाप को सामान्य करने का घरेलू इलाज बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों, नुस्खे को बताने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सरल घरेलू नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों। सब्सक्राइब करने से और बगल के बेल आइकन को दबाने से आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए लौकी यानी कि घिया। जी हाँ दोस्तों, अब आपको लौकी का रस आधा कप निकाल लेना है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये मैंने लौकी का रस यानी कि घिये का रस निकाल लिया है। आपको भी ऐसे ही घिये का रस निकाल लेना है। अब दोस्तों, आपको इसमें थोड़ा सा पानी मिला करके, बहुत ज्यादा नहीं दोस्तों, थोड़ा सा पानी मिला करके रोजाना दिन में 3 बार आपको इसका सेवन करना है। दोस्तों, इसका सेवन आप सुबह, दोपहर और शाम को कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, दिन में 3 टाइम आपको इसका सेवन करना है। नित्य ऐसा करने से आपका बढ़ा हुआ रक्तचाप सामान्य हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर नुस्खा है। आप इस नुस्खे का प्रयोग जरूर करिए। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप के रोगी हैं तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आज की टिप्स भी बता देता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर में गले में पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने से भी लाभ होता है। टमाटर रक्तचाप को घटाता है, इसलिए टमाटर खाएं। आप इसका रस भी पी सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही नए नए घरेलू नुस्खे लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे कल एक और नए घरेलू नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।